हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी अपने अपने यथावत स्थान पर एकदम खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी में एकदम रापचिक होंगे, बिंदास होंगे, एकदम फाड़ू टाइप की जिंदगी जी रहे होंगे। आइला अपुन अभी लाइट पे खड़ा है, तो लाइटें आई हैं अपुन को, अभी दिख रहा है कि लाइट रेड लाइट आई है, तो रेड लाइट जंप नहीं करने का। मेरे शहर में आपको तीसरी आँख हर टाइम वॉच करती है, इसलिए अपने आप को बचा के रखने का, नहीं तो कैमरे से खींचा हुआ चलान आपके घर कुछ ही समय में पहुंच जाएगा, मैसेज के थ्रू सबसे पहले, उसके बाद आपको बाय पोस्ट भी आपका चलान मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे शहर में जब भी आने का तो एकदम बिंदास हो के गाड़ी चलाने का, लेकिन लाइटों का, चौकस पे, और सबसे बड़ी बात तीसरी आँख का, अब तीसरी आंख से अपना बचाव जरूर करने का, वरना ये तीसरी आंख आपका कभी भी चलान खींच के आपके घर पहुंचा देगी। फिर आप किसी भी शहर से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका गाड़ी का नंबर ट्रैक करके आपको सीधे चलान पहुंचा देती है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग, पुलिस वाले रास्ते में भी खड़े होते, तो इसलिए बच के रहने का भाई। अभी एक साइड का ग्रीन लाइट होएगा और दूसरी साइड का ग्रीन लाइट होएगा तो मैं चलेगा, और ये मेरे सामने देख रहे हैं आप, जो ये साइकिल ट्रैक बना है, ये साइकिल वाले लोगों के लिए है जो साइकिल चलाना पसंद करते हैं। वो लोग इस रास्ते पर चल के आगे इधर उधर रूट क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अब उनके इंडिया में किसी को सही ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी इन ट्रैक्स को बनाने के बावजूद भी, अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि रोड में किस तरह से लोग साइकिल वे पे जाने की बजाय, देखो मेरे इधर का ग्रीन लाइट हो गया, मैं निकल गया, अभी देखो मैं आपको कुछ नमूने दिखाऊंगा जो साइकिल ट्रैक बनने के बावजूद भी इस रोड पे चलेंगे। और ये देखिए मेरे शहर की खूबसूरती, देखोगे इतना बढ़िया, एकदम मस्त हो रहा है मौसम, क्योंकि आसमान में छाया बादल और हल्की है धूप, कहीं कहीं धूप, कहीं कहीं बादल। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ अपना काम समाप्त करने के बाद, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेरे शहर की हरियाली आपको बहुत अच्छी लगेगी, हरे भरे पेड़ों की छांव बहुत अच्छी लगेगी। तो कभी भी मेरे शहर में आइएगा घूमने का, बिंदास होकर रहने का, एकदम फाड़ू स्टाइल में जीने का, मजा लेने का, सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, इधर उधर घूमने का, मस्ती करने का, और खाने का, पीने का, और चलते बनने का भाई, इधर ट्रैफिक का कोई रूल नहीं तोड़ने का, क्योंकि पुलिस वाले बहुत सख्त हो रहे इधर। ठीक है, अभी फिर लग गया रोड पे जाम, क्योंकि मेरे शहर में लाइटों का है जाम, और हर मिनट में आपको लाइट मिलेगी आम, और देखने को कुछ नहीं मिलेगा तो पेड़ों की मिलेगी छांव। यही तो एक खास बात है मेरे शहर की, जो सबसे अलग बनाती है मेरे शहर को, क्योंकि मेरे शहर में खूबसूरत 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 पेड़ लगे हैं रोड के चारों ओर। देखिएगा जिस तरफ जाएंगे उस तरफ आपको पेड़ों की छांव मिलती जाएगी। और भाई आप लोगों को पता ही ना कि जब बारिश नहीं होती तो हम लोग किसको कोसते हैं? ऊपर वाले को। अरे भाई, ऊपर वाले का बाद में दोष है रे, अपन लोगों का भी दोष है, क्योंकि अपन लोगों ने पेड़ों को काट काट के सारे मकान में ना डाले हैं, तो पेड़ों के लिए जगह ही नहीं है। अब लाइट हो गया ऑन, फिर से मैं चल रहा है, और ये देखो मैं यहाँ से कट लेगा, ये बाईपास बोलती इसको, ये बाईपास लिया मैं दूसरी रोड में मिलने का, ताकि मेरे को लाइट वाले उधर को जाने का नहीं बनेगा, तो मैं इधर से कट लिया। अब देखो इधर से फिर मैं उस मेन रोड में मिल लिया। ये अपन के शहर के बहुत अच्छा फैसिलिटी बनाया है, ये सामने 16 का ग्राउंड है, 16 का स्टेडियम बोलते हैं जिसको, और देखो पेड़ों की छाव कितनी अच्छी है, ये पेड़ होएंगे ना तभी तो अपन को छाव मिलेगा रे, अपन को ऑक्सीजन मिलेगा रे, और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश मिलेगा रे। अब देखो ना ये नमूना, ये साइकिल लेके जा रहा है, लेकिन इसको पता है कि साइकिल वाला ट्रैक बगल में ही है, लेकिन ये उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश के समझदार लोगों का ये आइंदा मानना है कि चौड़ी सड़क में चलने का चौड़ा होकर चलने का। और ये देखो छोटे छोटे चौकाइला, और यहाँ पर देखो नारियल पानी वाला बैठाला, और ये टेम्पो वालों का भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये भी कई बार क्या करते हैं ना, वही चौक पर जाकर गाड़ी को, अपने टेम्पो को खड़ा कर देते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनको समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि तो चौक पर टेम्पो खड़ा करना एक तरह से हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, पेड़ लगाने का, पीपल का पेड़ लगाने का, बरगद का पेड़ लगाने का, और नीम का पेड़ लगाने का, जहाँ जहाँ ये पेड़ होंगे बहुत सारी सुविधाएं देंगे आपको। और सारा, अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो तुम लोगों को जीवन कैसे मिलेगा? हाँ बताओ मेरे को।
अभी फिर लाइट आ गया। अरे ये रिक्शे वाले को देखो, अभी ये चला सकता था उस साइकिल ट्रेन में, लेकिन ये चलाएगा नहीं क्योंकि इन लोगों का दिमाग में भूसा भरा है। समझदारी लेता ही नहीं है काम, चौड़ी सड़क में चलने का, चौड़ा होके चलने का, यही सबके दिमाग में फितूर भरा है। फिलहाल मैं अपने एरिया को जा रहा हूँ, एकदम मस्त हो के। रोड का ये सफ़र बड़ा मस्त होता है, एकदम मज़ा आता है। गाड़ी चलाने में खुली डुल्ली रोडें हैं रे अपन के शहर की, एकदम कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्या, एकदम मस्त हो गया गाड़ी चलाने का। लेकिन रूल्स को फॉलो करने का रे, और रूल्स वो कहीं नहीं तोड़ने का, ठीक है ना। और रूल्स अगर तोड़ेगा तो पुलिस वाला तुमको तोड़ेगा, ठीक है। अपन का चंडीगढ़ का ट्रैफिक पुलिस एकदम सख्त है, सख्त बोले तो क्या, सख्त है। अगर आप लोगों को चंडीगढ़ में रहना है तो चंडीगढ़ के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, वरना आप लोगों के घर चलान आने में मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि बाज की तरह नजरें गड़ाए हुए रोड के ऊपर जो कैमरे लगे हैं ना, वो कैमरे आपको कैद कर रहे होते हैं। और यहाँ तक कि यही नहीं, जो कैमरे केवल पोलों में लगे हैं, पेड़ों के पीछे छुप छुप के भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान आपकी आवाजाही पर नज़र रख रहे होते हैं। हालांकि ये शहर ट्रैफिक और प्रदूषण और गंदगी से थोड़ा सा मुक्त है, लेकिन लाइटों से भरपूर हो गया है, क्योंकि इस शहर में अब हर जगह पर लाइटें बहुत आ गए हैं। अभी फिर से लाइट आ गए, लेकिन चौक की हमारी खूबसूरती देखिए, हमारे चौक को कितना सुंदर बनाया है हमारे एमसी ने। लेकिन भाई लोग चंडीगढ़ में रहने का तो मस्त हो गया, रहने का मस्त हो गया, गाड़ी चलाने का, लेकिन राइट लाइट नहीं तोड़ने का रे बाबा, समझा क्या, आराम से जाने का, आराम से